बिजली विभाग की लापरवाही के चलते फिर दो भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई। घटना गुरुवार की सुबह फतेहगंज पश्चिमी के गांव ठरिया खेलत में घटी। फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला ठाकुर द्वारा का रहने वाला सुरेंद्र गुरुवार को अपने डल्लभ भैंसा लेकर रेता लेने जा रहा था कि प्राथमिक विद्यालय के पास रास्ते में पानी भरा था। वहीं बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ था जो ट्रांसफार्मर से जुड़ा था, जिसमें बिजली दौड़ रही थी। उसी तार की चपेट में आकर दोनों भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। सुरेंद्र को भी करंट लगा, लेकिन उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से ये घटना घटी। हर बार पैसे लेकर तार जोड़ दिए जाते हैं, फिर भी वह सही से नहीं जुड़ते और अक्सर टूटते रहते हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीणों की जुबानी। क्या नाम तुम्हारा? सुरेंद्र। क्या हुआ था? क्या बजे घटना है? 5:30। कहाँ जा रहे थे तुम? सुबह सुबह तो मतलब तार ऐसे ही लटका हुआ था, इसमें करंट आ रहा था? हाँ, करंट आ रहा था। जब भैंसों का करंट लगा तो तुम कहाँ थे? हम बचे कूदे बचे मर जाते। तुम कूद के पानी कहाँ इधर कूदे? ये पहले तार लटका हुआ था या नहीं था? पहले ऊपर था ये। फिर कल टूट गया था क्या? रात को टूटा है। रात में टूटा है, रात में। तो रात जो जुड़ा हुआ था, परसों जुड़ा है। परसों का तो अलग अलग था, दो पीसों में परसों जोड़कर फिर रात में फिर ये गिर गया। तो रात चौथे दिन रोज गिर ही रहा है तार। तो लाइट रात भर चली है क्या? हाँ, लाइट पूरी रात सप्लाई चली है। तो जब तार गिरा इसकी सूचना नहीं दी किसी ने? किसी ने ध्यान ही नहीं करा और ना सूचना दी। फिर रात में आते नहीं है तो बिना पैसों के ढूंढने के लिए, तो पैसों का पैसों के लिए ना बोले। पैसे इकट्ठे करके देते तब आता है जोड़ने के लिए। पैसे देते हैं इकट्ठे करके तभी जोड़ते हैं। परसों अभी जोड़ गया है आज को। कभी बगैर पैसों से जोड़ा ही नहीं था।